जिला नंबर 4 देखेंगे, बड़वानी देखेंगे। उससे पहले वापस से बताना चाहूंगा, खरगोन जिले से बड़वानी अलग हुआ था 1998 में। बड़वानी तो हमने कोर्ट क्या रखा था, KBR रखा था। इससे पहले 3 जिले कर चुका हूँ, पूरे 51 जिलों के आपको 51 वीडियो मिलेंगे, और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एक के 40-40 क्वेश्चन मिलेंगे। तो करीब 1,500 से भी ज्यादा आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आप सारे लेक्चर देखिए, नीचे प्ले लिस्ट दे दूंगा। देन लेक्चर स्टार्ट करने आ रहे बड़वानी। बड़वानी जिले का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी करंट अफेयर में भी आया है बहुत बार, अनिल काकोड़कर। ध्यान रखिए, भारतीय साइंटिस्ट है, इनका बार बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के कौन से फेमस साइंटिस्ट है, तो ध्यान रखिए अनिल काकोड़कर है जो भारतीय साइंटिस्ट है। इसमें थे एटॉमिक एनर्जी और कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। तो ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है अनिल काकोड़कर, भारतीय साइंटिस्ट, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बड़वानी में स्थित है। तो चावल का क्वेश्चन आया, तो चावल से रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन और याद कराना चाहूंगा मैं। देखिए, चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में, मगर मध्य प्रदेश के सर्वाधिक चावल कहाँ होते हैं, बालाघाट में होते हैं, याद रखिएगा। देन उसके बाद मध्य प्रदेश से डायरेक्ट जंप करते हैं हम भारत की पे। अब देखिए, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र चावल अधिकतम कहाँ पर होते हैं, ध्यान रखिए अधिकतम होते हैं पश्चिम बंगाल में। और आपसे भारत का चावल अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिए कटक उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आप विश्व में। अब विश्व की बात करें, पहले मध्य प्रदेश, फिर भारत, फिर अब विश्व। विश्व में अधिकतम चावल कहाँ होते हैं, चाइना में होते हैं। और चावल अनुसंधान केंद्र की विश्व की बात करें तो ध्यान रखिए मनीला फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। यहाँ से 2 क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको, तो ये ध्यान रखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब वापिस हमारे बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं, बड़वानी जिले पे आ जाते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 52 गजा भगवान आदिनाथ की 84 फीट ऊंची प्रतिमा कौन से जिले में। तो ध्यान रखिए बड़वानी का बी याद रखिए और 52 गजा का बी याद रखिए, तो दोनों याद रखिए, बी भी याद रहेगा, 84 फीट ऊंची, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व जो बड़वानी एक रियासत थी और राणा वंश का शासन था इस समय, ध्यान रखिए। और आपसे पूछ सकते हैं, जैसे अभी पिछली बार MPPSC में पूछा गया था पर्टिकुलर, तो ये ध्यान रखिए बड़वानी जिला के दक्षिण में सतपुड़ा स्थित है और उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जिसमें विंध्याचल उत्तर में और दक्षिण में सतपुड़ा जिला है, तो ध्यान रखिए बड़वानी जिले में स्थित है, ध्यान रखिए बड़वानी जिले इन दोनों के बीच में स्थित है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार पूछते हैं निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिए ये भी कौन सा है, बड़वानी को ही कहा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, बड़वानी का विलास पैलेस राणा रणजीत सिंह के दिव्यांग बेटे की याद में बनवाया गया था, तो ध्यान रखिए आपसे यूं पूछा जाएगा विलास पैलेस कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए बड़वानी जिले में आपसे इतना पूछा जाएगा। देन उसके बाद देखते हैं भावनगढ़ का इसे प्राचीन स्थल का नाम क्या है, बोरागढ़ स्थित है, ध्यान रखिए एक प्राचीन किला भी स्थित है यहीं पर अवस्थित है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, भीम नायक कर्म स्थल, भीम नायक जो थे महान पुरुष थे जिनकी कर्म स्थली कौन सी, बड़वानी है। और इन्हीं के नाम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन यहीं से याद करेंगे, शहीद भीम 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 नायक महाविद्यालय भी कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स ये भी बड़वानी जिले में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फ्रेंड्स, सेंधवा। सेंधवा ध्यान रखिए मध्य प्रदेश की सीमा सीमा पर स्थित परिवहन कार्यालय मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कर जो है यहीं से, बैरियर सबसे ज्यादा यहीं से आता है सेंधवा से, ध्यान रखिए मध्य प्रदेश का। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बिजासन दुर्गा माता का मंदिर भी कहाँ पर है, ध्यान रखिए बिजासन दुर्गा माता का मंदिर कहाँ है, बड़वानी जिले में स्थित है, बार बार पूछ सकते हैं। अब बड़वानी का पूरा नाम, बड़वानी की उत्पत्ति किस नाम से हुई, बड़ के वन से हुई, यहाँ पे पुराने जो थे बड़ के वन थे, तो जिस कारण से बड़ के वन से इसका नाम क्या रख दिया गया, बड़वानी रखा गया। देन उसके बाद शहर बड़वानी के पूर्व बड़ नगर या फिर सिद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता था इसको, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। इसके बाद बड़वानी में जैन तीर्थक के दो ए, एक तो आपको याद होगा फ्रेंड 52 गजा तो याद है आप सभी को, और एक और याद कर लीजिए चूलागिरी भी यहाँ पर जैन तीर्थक है, और पूछ सकते हैं चूलागिरी कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिए 52 बड़वानी में स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी फ्रेंड। ये तो बड़वानी जिला, इसके बाद में नेक्स्ट 51 वीडियो जल्दी MPPSC एग्जाम के पहले कंप्लीट कर दूंगा। देन
जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।